सागर जिले के ग्राम मेहर में उल्टी दस्त के बाद अब गांव खाड़ में भी उल्टी दस्त के मरीज आने लगे हैं। गांव में अभी तक 16 मरीज सामने आए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं जानकारी लगते ही बुधवार दोपहर सागर कलेक्टर, दीपक आर्य अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ गांव पहुंचे, गांव वालों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को गांव के जल स्रोतों के पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह हैजा है। उल्टी दस्त के 16 मरीज सामने आए हैं, जिनका इलाज अभी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। एक बात भी सामने आई है कि गांव के किसानों ने कीटनाशकों का फसलों पर छिड़काव किया है, उससे भी उल्टी दस्त हो सकता है। हालांकि यह जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। अभी ये इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये हैजा है। गांव में संभावना ये भी है कि कीटनाशकों का प्रयोग किसानों के द्वारा किया गया, उस कारण से भी लोगों को ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये हो सकता है। तो अभी सैंपल ले लिए हैं, गांव के जो पानी के सोर्स है, स्रोत जो हैं, दोनों मुख्य स्रोत हैं, दोनों को बंद कर दिया गया है और बोरिंग से पानी प्रदाय किया जा रहा है। टैंकर से बुलवाने की आवश्यकता हुई तो टैंकर से पानी गाँव में प्रदाय किया जाएगा। गांव वालों में गांव में एक सर्वे पूरा कर लिया गया है और सभी गांव से 16 मरीज निकल करके अभी तक आए हैं, जिनको उल्टी दस्त की समस्या हुई है। तो उसका अभी बेसिक जो इलाज होता है, जिंक और ORS उनको दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही पुष्टि होती है क्या कारण क्या है, उसके बाद फिर इनका इलाज उसी प्रकार से किया जाएगा। अभी तक 16 मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, बाकी सारे सुरक्षित हैं जो कि अपने घरों पर हैं।